अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुरप्रीति, पलकी कितनी अच्छी है ना, बहुत प्यारी है। पता है उसे जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे कौन याद आता है? मैं खुद, मतलब जैसी मैं हूँ ना, मन से अंदर से मुझे पलकी में मैं ही दिखाई देती हूँ। सच में मुझे पलकी में ना दूसरी प्रीता नजर आती है। कल बेचारे ने हमारी बहुत हेल्प की, हर बार ही करती है। तो मैं सोच रही थी कि आजकल जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है, ये पूरा वरुण का किस्सा और सारी टेंशन, इन सब के बीच में हमारी पलकी राजवीर के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही। देखा होगा ना आपने भी, मतलब वैसे तो दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, पर उससे पहले थोड़ा मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे, तो एक दूसरे की खूबियाँ खामियाँ उनके बारे में भी ज़्यादा जानेंगे। जितना एक दूसरे को जानेंगे ना, उतना उनके लिए ईजी हो जाएगा एक दूसरे के साथ फिर आगे ज़िंदगी बिताना। वैसे तो मुझे पता है कि राजवीर बहुत अच्छा है, जिसकी भी किस्मत में लिखा है उसकी किस्मत समझो चमक ही गई। पर मैं तो उसकी मासी हूँ ना, तो मैं तो ऐसा बोलूंगी। पलकी, तू आज एक काम क्यों नहीं करती? तू राजवीर के साथ डिनर पे क्यों नहीं जाती? क्या हुआ, तू ऐसी चुप क्यों हो गई? हैरान क्यों है? तू बोले तो मैं दलजीत पर जैसे बात करूं? नहीं नहीं, माँ को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ को बताने से तो माँ मना ही कर देगी ना। वैसे हाँ, मुझे भी राजवीर के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी डिनर पर जाना है। हम दोनों ये सब कुछ करने के लिए मेरे पास तो टाइम है, पर राजवीर तो ऑफिस में है ना, तो वो तो बिजी है, उसके पास तो टाइम नहीं है। आहा, कितना भी बिजी हो, मैं एक फोन करूंगी ना तो उसे रेडी होना ही पड़ेगा तेरे को बाहर ले जाने के लिए। बस तू तैयार रहना, 9 बजे तक तैयार रहना बाहर जाने के लिए। मैं राजवीर को फोन करके कह दूंगी, वो काम खत्म करके तुझे घर से पिकअप कर लेगा और फिर जल्दी ले भी आएगा। नहीं नहीं, मेरे घर पे कैसे, मैं तो घर पे रहूंगी नहीं, मैं तो यहाँ रहूंगी। काव्या की हेल्प करना है, डेकोरेशन करना है। प्रीता जी, आप राजवीर को आज रात 9 बजे यहाँ बुला सकते, तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ तू आज रात को घर नहीं जाने वाली है? जाऊंगी ना, थोड़ा लेट से जाऊंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है। सोसाइटी की नजरों में साथ फेरे होने के बाद होगा, लेकिन मेरी नजरों में अभी से ये तुम्हारा घर है, क्योंकि तुम मेरी होने वाली बहू से कहीं ज्यादा मेरी बेटी हो। मैं अभी आई। शाम 9 बजे तैयार रहना, ओके? शर्मा गई प्रीता जी, आप क्यों उदास हो गई, क्या हुआ? गुरप्रीति, ये शर्माना, मुस्कुराना, ये खुशी, ये हंसी, ये सब मैं चाहती हूँ कि मेरी काव्या भी फील करे, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी किस्मत ने, उसकी जिंदगी ने अचानक से इतनी बड़ी करवट क्यों ले ली, उसके हाथों से जिंदगी क्यों फिसल गई। कितना सोचा था हमने कि वरुण उसके लिए अच्छा लड़का है, उसे खुश रखेगा, उसकी शादी होगी, अपने घर में खुश रहेगी, लेकिन वो इतना घटिया इंसान निकला, इतना बुरा हुआ उसके साथ, बहुत बुरा लगता है। कितनी बुरी तरह से हमारी काव्या का दिल तोड़ दिया उसने। नहीं प्रीता, हमारी काव्या स्ट्रांग है, कोशिश कर रही है कि उसका दिल फिर से जुड़ जाए, परफेक्टली फाइन हो जाएगी, आई प्रॉमिस यू। कृतिका? हाँ प्रीता, ट्रस्ट मी, काव्या इज बेटर नाउ, ठीक है वो। नहीं कृतिका, वो ठीक नहीं है, वो सिर्फ दिखाती है कि वो ठीक है, लेकिन अंदर से वो बहुत सफर कर रही है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इस बात से नाराज है कि वरुण ऐसा निकला। इस मामले में वो बहुत स्ट्रांग है और माता रानी का शुक्रिया कर रही होगी। वक्त रहते पता चल गया कि वरुण कितना घटिया इंसान है, उसका सच उसके सामने आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ना जो कुछ भी उसकी लाइफ के साथ हुआ है ना, उसके लिए अपने आप को कोस रही होगी। अपने आप के नहीं पता लगा लिया, उसे पहले ये सब चीजें नजर क्यों नहीं आई, उसने उससे क्यों चूज किया, वो ये सब बातें सोचती होगी और ये सब सोच के अपनी किस्मत को भी कोसती होगी कि उसकी किस्मत ने उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। सब कुछ दे के उससे सब कुछ क्यों ले लिया उसकी किस्मत ने। जब कोई दिल तोड़ता है ना तो उस पे क्या किसी पे भी इजीली विश्वास नहीं होता है। पता नहीं अब काव्या किसी और पे कभी विश्वास कर पाएगी या नहीं। उसके दिल में बहुत गहरा दर्द है और मुझे डर है कि उसका ये जो दर्द है ना वो गहरा जख्म ना बन जाए, क्योंकि जब ऐसे दर्द जख्म बन जाते हैं ना तो उन्हें भरने में जमाना लग जाता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि काव्या खुश रहे, फिर से खुश हो जाए, जैसे चहकती महकती रहती थी ना, फिर से वैसी हो जाए। प्रीता तुम हो ना, तुम्हारे होते हुए काव्या की खुशियों को कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जहां तुम हो वहां जिंदगी वही खुशियां। कृतिका अगर सब मेरे हाथ में होता ना तो मैं उस वरुण को सबसे सजा दिलवाती। वरुण को सजा मिलेगी प्रीता, तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन वरुण को एक ऐसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है जहां पे उसकी जैसे बहुत सारे क्रिमिनल्स उसका ऐसे स्वागत करेंगे ना जैसे वो डिजर्व करता है। हर दिन हर रात तड़पेगा रोएगा कि उसने काव्या को हर्ट किया तो किया कैसे। उसे उस जेल में आज रात को ही शिफ्ट कर रहे। ही विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स प्रीता, आई प्रॉमिस यू ही विल। खूबसूरत लग रही हो तुम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।